प्रणाम मित्रों, आप ही के अपने YouTube चैनल स्विंग स्टॉक में मैं चोपड़ा राकेश एडिटर श्लोक चोपड़ा के साथ आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों अपडेट देते थे मित्रों, अपडेट में हमने SBI बैंक को दिया हुआ था हमारी प्राइवेट व्हाट्सएप मेंबरशिप ग्रुप में 15 दिन पहले 200 पे, और हमारा पहला टारगेट 220 का था, दूसरा टारगेट 240 का था, लेकिन 233 तक आ गया था मित्रों, यानी कि 15% से ज्यादा रिटर्न दे दिया था। 10 या 15 दिनों में 15% का रिटर्न, यानी श्रेयस अय्यर की तरह शानदार एक एक गेंदों पर एक एक रन लेते हुए एक एक दिन में 1% का शानदार रिटर्न दे दिया है मित्रों SBI बैंक ने। इसी तरह आप भी 10-15% रिटर्न कोई भी स्टॉक में कमाना चाहते हो तो हमारे साथ स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे कमेंट बुक में छोड़ दे मित्रों, हम वहाँ पे डेली 3 स्विंग स्टॉक देते हैं। मित्रों आइए डिस्क्लेमर दे देते हैं, हमने जो स्विंग स्टॉक निकाला हुआ है मेरी खुद की रिसर्च और सोच के हिसाब से निकाला हुआ है। आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह लें, कोई भी स्टॉक में 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगले स्विंग स्टॉक जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें मित्रों। यह जो शेयर है यह रियलिटी सेक्टर से है, जो घूम रहा है 153 से लेकर 157 के बीच में, अभी मिल रहा है 154 पे, 52 वीक लो है 114 का, 52 वीक हाई है 265 का, यानी कि ये मित्रों 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है, तो अभी ये महंगा मालूम नहीं पड़ रहा है। अर्निंग पर शेयर देखें मित्रों तो 3.41 का है जो कि कम है, लेकिन आने वाले साल में ये बढ़ सकता है। पी रेशियो 28 का है जो कि ज्यादा है, अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो पी रेशियो भी कम हो जाएगा, तो अगर इसको आने वाले साल में फायदा होता है तो ये शेयर को फायदा होगा, लेकिन हमें अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही सोचना है। टर्नओवर रेट 0.41% है जो कि काफी बढ़िया है। बुक वैल्यू देखें तो 139 है, यानी कि यहाँ से बहुत नीचे भी नहीं है और बहुत हाई भी नहीं है, तो ये शेयर मीडियम भाव पर अभी उपलब्ध है मित्रों। आगे की स्लाइड में एनालिसिस एक्सपर्ट की क्या राय है वो देखते हैं मित्रों। आइए देखें, 44% एक्सपर्ट इसमें बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्गली बाय करना है, 38% एक्सपर्ट बाय करने को बोल रहे हैं और होल्ड के लिए कोई भी राय नहीं है, 11% एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि सेल कर देना है, और 5% एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहा है मित्रों, यानी टोटल गिने तो 16% एक्सपर्ट जो है, 16% एक्सपर्ट वो इसमें सेल करने की राय दे रहे हैं और ज्यादातर एक्सपर्ट इसमें बाय करने की राय दे रहे हैं। अगर इसमें एक साल की फोरकास्टिंग देखें तो निचले लेवल पर रह सकता है 131, और मीडियम रेंज बोल रहे हैं मित्रों एक्सपर्ट की 195, और एक साल में हाई रेंज रह सकती है 255 की, यानी मित्रों ये शेयर में डाउन साइड बहुत ही कम है आने वाले एक साल की और अप साइड बहुत ही ज्यादा है, तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी बार बार कर सकते हो, मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट भी मित्रों कर सकते हो। आइए आगे की स्लाइड में फाइनेंशियल देखते हैं मित्रों। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 4 साल की देखें मित्रों तो लो साइड पर 1% की रही है और हाई साइड पर 14% की रही है, यानी अगर एवरेज 10% की रहती है मित्रों तो ये अच्छा ही माना जाएगा, बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा लेकिन थोड़ा अच्छा माना जाएगा, ये पैरामीटर बहुत ही अच्छा नहीं है मित्रों। अर्निंग पर शेयर देखें तो पिछले 4 साल में लोअर रेंज पर 1 रुपीज की रही है और हाई साइड पर 23 रुपीज की रही है, अभी अर्निंग पर शेयर 3.4 के आसपास है, यानी कि आने वाले एक साल में अर्निंग पर शेयर 20 तक भी जा सकती है, अगर बहुत अच्छा काम कर सकती है मित्रों तो जा सकती है, वरना नहीं जा सकती है, लेकिन इसमें डाउन साइड होने की बहुत ही कम संभावना है मित्रों। कंपनी की बुक वैल्यू देखें तो लो रेंज पर 134 की रही है और हाई रेंज पर 195 की रही है, अभी बुक वैल्यू 139 की है, यानी आने वाले साल में बुक वैल्यू भी 195 के आसपास आ सकती है मित्रों। और नेट मार्जिन देखें मित्रों तो नेट मार्जिन 3.8% लो साइड पर रहा है और 6.60% हाई साइड पर रहा है, तो नेट मार्जिन भी अच्छा ही है मित्रों। आगे की स्लाइड देखते हैं। अगर कंपनी की नेट इनकम देखें तो साल दर साल लगातार बढ़ी जाती है मित्रों, बढ़ती ही जा रही है, एक साल में थोड़ा कम होता है तो अगले साल में वापस बढ़ती ही जा रही है मित्रों। और कंपनी का नाम है मित्रों रियलिटी सेक्टर से DLF की पूरी प्रोफाइल आप इस स्लाइड में देख सकते हो मित्रों, और DLF को हमारे हिसाब से बाय करना है। अगर सोमवार को मार्केट डाउन रह सकता है तो ये 145 तक आ सकता है, तो बाय करना है 145 से लेकर 154 में, और टारगेट रहेगा 170 का, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 144 का, हमारा टाइम होराइजन रहेगा मित्रों 15 दिन का, और DLF में इस तरह से 10% का रिटर्न आराम से कमा सकते हो, जैसे SBI ने जैसे श्रेयस अय्यर की तरह बैटिंग करते हुए 10 गेंदों में 15 रन बना दिए थे, वैसे ही यह शेयर भी 10 गेंदों में 15 रन यानी 10 रन या 15 रन भी बना सकता है मित्रों, आराम से बना सकता है। DLF आराम से 10 दिनों में 10% का रिटर्न दे सकता है। अगर आपको हमारी एनालिसिस और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे मित्रों, आपका एक लाइक हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाता है, और वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करें और हमारी फैमिली को बढ़ाए। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद नहीं आ रही है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।